देश में रोजगार को लेकर कई आंकड़े पेश किए जाते हैं, लेकिन तस्वीरें आंकड़ों से ज्यादा कुछ कह जाती है। तो ये तस्वीरें सामने आई है, आप तस्वीरें देखिए, अंदाजा लगाइए, बेरोजगारी की जीती जागती तस्वीर है ये, फिर मुंबई एयरपोर्ट पर दिखी है। मंगलवार को मुंबई एयरपोर्ट पर 600 पदों के लिए करीब 25,000 लोग इंटरव्यू देने के लिए पहुंच गए, और ये तस्वीरें इस प्रकार की पहले भी सामने आ चुकी हैं कि पद तो कम होते हैं लेकिन आवेदकों की संख्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो तस्वीरें आपके सामने, और अब आपके सामने दो तस्वीरें होंगी मुंबई और गुजरात के, विजुअल्स आपके सामने, किस तरीके से मुंबई एयरपोर्ट और अंकलेश्वर गुजरात की तस्वीरों में आप ये जो हुजूम देख रहे हैं, किस तरीके से बेरोजगारी का ये आलम है और एक कैसा आलम है। वॉक इन इंटरव्यू का मौका, और उसमें देखिए कितनी भीड़ यहाँ पर जुटती नजर आ रही है। कम पदों के लिए ज्यादा आवेदन और उस पर ज्यादा से ज्यादा लोगों का पहुंचना इन तस्वीरों में नजर आ रहा। मुंबई एयरपोर्ट और अंकलेश्वर गुजरात का दूसरा विजुअल आपके सामने। तेरह सीट पर हुए उपचुनाव में एनडीए की करारी हार के बाद अब यूपी की 10 सीट पर भी उपचुनाव होने हैं। इसी उपचुनाव पर रणनीति बनाने के लिए आज सीएम आवास पर बीजेपी नेताओं की बैठक होगी, और इस बैठक में सीएम योगी उपचुनाव वाले क्षेत्र के प्रभारी मंत्रियों से बातचीत करेंगे। जिन 10 सीट पर उपचुनाव है उनमें से 5 सीट समाजवादी पार्टी के पास थी, 5 सीट पर एनडीए का कब्जा था, और इस उपचुनाव से जहां समाजवादी पार्टी अपने पिछले प्रदर्शन को दोहराने के लिए उतरेगी, तो वहीं एनडीए अपने आप को मजबूत करने की कोशिश करेगी। यूपी में शिक्षकों की डिजिटल अटेंडेंस का आदेश स्थगित होने के बाद अखिलेश यादव ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव का कहना है कि उपचुनाव के डर से यह आदेश स्थगित किया गया, उन्होंने आदेश को निरस्त करने की मांग की। अखिलेश यादव ने यह कहा है कि बीजेपी का असली चेहरा शिक्षकों और आम जनता के सामने आ चुका है, अब सब मिलकर बीजेपी को अगले चुनाव में हराएंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का एक अलग अंदाज देखने को मिल गया। दरअसल पंढरपुर यात्रा के दौरान सीएम शिंदे महाराष्ट्र के नेताओं के साथ पारंपरिक वेशभूषा में नजर आए। तस्वीरें सोलापुर की हैं, जहां पर सीएम शिंदे मराठा समुदाय की धार्मिक यात्रा में शामिल होने के लिए आए थे। बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी ने ममता सरकार पर निशाना साधा है। शुभेंदु का आरोप है कि पश्चिम बंगाल में हिंदुओं को वोट नहीं देने दिया जाता। शुभेंदु का दावा है कि उपचुनाव के दौरान 2,00,000 हिंदुओं को पश्चिम बंगाल में वोट देने से वंचित कर दिया गया। जो लोग पश्चिम बंगाल के लोकल नहीं थे उन्हें भी वोट देने के लिए नहीं दिया गया। ऐसे में बीजेपी अब इस पूरे मामले में 22 जुलाई को विक्टोरिया हाउस के सामने बड़ा प्रोटेस्ट करेगी। बीजेपी का यह कहना है कि अगर उन्हें परमिशन नहीं मिली तो वो कोर्ट जाएंगे। गृहमंत्री अमित शाह ने हरियाणा में ओबीसी के एक सम्मेलन में आरक्षण पर बात की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कर्नाटक में पिछड़े वर्ग का रिजर्वेशन छीनकर मुसलमानों को देने का काम किया, और अगर वो हरियाणा में जीतेंगे तो वहां भी यही काम करेंगे, लेकिन अगर बीजेपी की सरकार आ गई तो किसी भी हालत में मुस्लिम रिजर्वेशन लागू नहीं होने देंगे। तो वहीं कांग्रेस भी चुनाव की तैयारी में लगी हुई है। सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने दावा किया कि हरियाणा में कांग्रेस की सरकार बनेगी।